नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपके लिए मैथ्स की नई सीरीज लेकर आएंगे, तो आज मैं आपके लिए मैथ्स की नई सीरीज लेकर आया हूँ। ये मैथ्स की सीरीज उन बच्चों के लिए होगी जिनकी मैथ्स रियल में ही वीक है या जिनको बहुत डर लगता है मैथ्स से, उनको लगता है कि वो मैथ्स नहीं कर सकते। बट मैथ्स हकीकत में बहुत ही ईजी है और हम इसको कोशिश करेंगे कि ईजी तरीके से पढ़ें और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा अगर आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे और मुझे भी सपोर्ट करेंगे और अपने कमेंट्स के जरिए या अपने रिव्यू के जरिए हमें बताएंगे कि हमें और क्या क्या चीजें चेंजेस करनी चाहिए। तो आइए हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो है किन किन चैप्टर पर फोकस करेंगे बेसिक में, और ये बेसिक जो होगा ये कॉम्पिटिशन के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है और अकेडमी के हिसाब से। इसमें हम 6th, 7th, 8th की स्पेशली सबसे पहले हम बेसिक में यही उठाएंगे क्योंकि मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इन्हीं क्लासों के हिसाब से होता है। तो हम एकेडमिक से धीरे धीरे इसको कंपटीशन में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो आइए हम किन किन चैप्टर पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शन आप सबने पढ़ा ही है कि जैसे हमने एक रोटी के टुकड़े हैं, चार टुकड़े, उसमें से एक राम ने खा लिया तो उसका बची हुई रोटी का कितना टुकड़ा बचा, तो 3/4 बचेगा। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, बहुत छोटी चीज है लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा परसेंटेज, इसमें हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, बच्चों को अक्सर ये चीजें हवा नजर आती हैं। हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि, या इसको हम 8th या 7th क्लास में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से चैप्टर पढ़ा हुआ है। और हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, अनुपात। इसमें हम अनुपात किसी भी चीज को कैसे बांटते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं, उन्होंने कोई बिजनेस शुरू करा है और वो जो है अपना अपना शेयर किस हिसाब से बांटेंगे, या 2:3 में बांटेंगे या इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो ये वही चीज होती है, इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है कि हम किसी चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में। और सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इसमें हमने जिसको हम हिंदी में घात तथा घातांक कहते हैं, घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, इसको मैं जब हम चैप्टर करेंगे तो आपको मैं उसमें और अच्छे से बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग तथा वर्गमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन तथा घनमूल, और रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा डेसिमल, डेसिमल को भी हम अच्छे से समझेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल में हम उसी को कैसे जोड़ पाएंगे। तो इन जितनी भी टॉपिक है इन सब पे हम धीरे धीरे करके चर्चाएं करेंगे और इनको वीडियोस को कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा।